हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सैमसंग J7 नेक्स्ट जो है उसका जो हम FRP है, उसका जो FRP हम मिराकल बॉक्स है उसको खोल सकते हैं कि नहीं, हम उसके बारे में आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मिराकल बॉक्स खोलने के लिए जो 7.0 होते हैं उनका जो डिबगिंग ऑप्शन होता है उसको पहले ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के लिए उसके बहुत सारे मेथड है, चाहे तो आप उसका फाइल डाउनलोड करके भी उसको ऑन कर सकते हैं, मगर किसी किसी का फाइल जो है 1 GB होता है, 1.5 GB होता है, 700 MB, 800 MB का कुछ फाइल होता है। तो इसके लिए मैं आज इस बार ये वीडियो बना रहा हूँ कि सिंपली आप फ़ोन से डिबगिंग को ऑन करके उसके बाद में जो आप अपने मिराकल बॉक्स है 7.0 का जो है सैमसंग जितने भी फ़ोन से आप उसके FRP लॉक खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास 7.0 सैमसंग J7 नेक्स्ट है और उसका मैं FRP लॉक खोलने वाला हूँ और वो भी बहुत आसानी से। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा बहुत मतलब बताने में थोड़ा मिस्टेक किया है, तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। आपके जितने भी सारे फ़ोन होंगे सैमसंग का, आप इसको इजीली आप खोल सकते हैं, बड़े से बड़े मोबाइल भी आप इसको इजीली करके इसको खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अपना नंबर दे के रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, हम सबसे पहले पूरा बैग चले जाते हैं। बैग जाने के बाद में आपको ये होम बटन को 3-4 बार क्लिक करना है, 3 टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो है टॉक बैक ऑन होगा, देखिए टॉक बैक सस्पेंडेड आ गया, मैं ऑलरेडी ट्राई कर रहा था इसके लिए। ओके, टॉक बैक सस्पेंडेड आ रहा है तो मैं इसको रिज्यूम हो गया। तो आपको क्या करना है, टॉक बैक ऑन करने के बाद में, ठीक है, टॉक बैक आपको ये क्लिक करने से ऑन हो जाएगा 3-4 बार बटन, होम बटन को प्रेस करने से। ऑन करने के बाद में Samsung setup wizard. इसको क्या करना है, ऐसे एल एल बनाना है। एल बनाने के बाद में आपको क्या करना है, टॉक बैक सेटिंग के अंदर क्लिक करना है, वो भी 2 फिंगर से, दोनों हाथों से क्लिक करना है। टॉक बैक सेटिंग में आने के बाद में आपको क्या करना है, डाउन बटन और वॉल्यूम अप बटन को दोनों एक साथ में प्रेस करना है। और यहाँ पे देखिए ओके का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे ओके करना दोनों फिंगर से। उसके बाद में आपको पूरा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए फीडबैक लिखा रहेगा, हेल्प, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने में यहाँ पे देखिए ऊपर में सर्च बार लिखा रहेगा, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है, VI, ठीक है। लिखने के बाद में देखिए ऊपर में कुछ आ गया, गेट स्टार्ट स्टार्टेड, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यह वाला आइकॉन मिलेगा, इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक बार क्लिक करने के बाद में थोड़ा टाइम वेट करना है, तो यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, शेयर के ऊपर क्लिक करना है। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यूट्यूब पे चले जाओगे। यूट्यूब पे जाने के बाद में ऐसे खींच के इसको हटा देना है। हटाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या, प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी सर्च करने के बाद में यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद में ये हो गया, सॉरी, बुक में जाता हूँ, हिस्ट्री में जाता हूँ, डाउनलोड्स पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक फाइल है, ठीक है, तो उस फाइल का लिंक भी जो है मैं आपको नीचे दे दूँगा। ये फाइल का जो डेवलपर ऑप्शन होता है, डेवलपर ऑप्शन मतलब उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट सेटिंग में पहुँचेंगे, उसका लिंक भी दे दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा। तो अभी इसमें मैं मेमोरी लगाया नहीं हूँ, वो फाइल मतलब लिया नहीं हूँ, अभी मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो जो मैंने जो फाइल है इसको मेमोरी में कॉपी कर लिया और मैंने एक OTG केबल ले लिया, ठीक है। इसको मैं OTG के साथ अटैच करके इसको दे देता हूँ। आप घबराने का टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा एड ब्रेक्स कुछ भी नहीं आएंगे डिप्रेशन के नीचे, आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या, आपको सिर्फ 1-5 सेकंड का स्किप का ब्रेक आएगा, ठीक है, वो स्किप करना है, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, लगा देता हूँ, देख सकते हैं इसमें लाइट भी जल गया है, तो ये कनेक्ट भी ले लिया। तो अभी हम क्या करना है, डाउनलोड के अंदर जाना है। डाउनलोड के अंदर जाने में देखिए मेरे एक्सटर्नल जो मेमोरी है वो दिखा रहा है 16 GB का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मैं इसके अंदर एक फाइल दिया हूँ, ये सैमसंग बाईपास, ठीक है, सैमसंग बाईपास आप देख सकते हैं, ये वाला आपको मैं लिंक में भी दे दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये अनचेक करना है इसको, उसके बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना है।
जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद में आपको क्या करना है, ऐप्स ऐप्स दिख रहे हैं, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ढूंढना है गूगल ऐप। गूगल ऐप आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है गूगल ऐप में। गूगल ऐप में क्लिक करने के बाद में जाना है नोटिफिकेशन, ये रहा नोटिफिकेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो आई का एक ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सॉरी, आई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये जो एक ऑफ है इसको आपको क्लिक करना है, ऑन करना है। यहाँ पे नो थैंक्स देना है। अभी आपको ये सर्च बार में लिखना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की स्पेलिंग क्या होता है सर? ठीक है, कैलकुलेटर दे दिए। कैलकुलेटर देने के बाद देखिए हमको नीचे में ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। और हमको यहाँ पे लिखना क्या है, पहले सबसे पहले लिखना है बकेट प्लस 300 1201 73 2। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 1 2 1 2 1 0 के बाद में आपको देना है 1 2 7 3 2। ओके, उसके बाद में आपको प्लस, बाद में आपको ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देना है *#0808#। उसके बाद में यहाँ पे रूट का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको सिंपली रूट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ़ोन आपको ऑफ हो जाएगा, ऑफ होके फिर से ऑन होगा। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं, मैं अपना लैपटॉप में लेके क्या है, इसमें पहले मैं डाटा केबल कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे हाथ में फ़ोन है, ओके, देख सकते हैं ये केबल है और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में देखिए ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको ऊपर आपको क्या करना है, अलाउ करना है और ओके कर देना है। एक बार टॉकबैक सस्पेंडेड को सस्पेंड कर देते हैं बस। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये जो सैम जो मिरेकल बॉक्स का जो है, मैंने ये मेरा जो वर्जन है 2.58 है मिरेकल बॉक्स का। तो इसमें आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, एंड्रॉइड पे जाना है। ठीक है, जैसे आपके MTPK रहेगा उसके बाद में आपको चला जाना है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में जाने के बाद में सैमसंग के ऊपर क्या बोलते हैं टिक करना है, टिक करके स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करना है। तो आपका फ़ोन जो है सबसे पहले आपका डिबगिंग ऑप्शन ऑन हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जो टिक मार्क आएगा जो मैंने आपको बताया वो टिक मार्क करना है, सिंपली स्टार्ट करना है और जो है आपका जो है ये जो FRP ईजिली हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका जो FRP कर लिया है। ठीक है, सिंपली हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन अगर स्टक करता, अगर जैसे ऑन हो गया अगर रुक जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन के एक बार हार्ड रिसेट कर देना है। हार्ड रिसेट करने के बाद जो है आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मेन मेन्यू में आ जाएगा। जैसे मैंने देखिए इसको ऑलरेडी मैंने J7 जो नेक्स्ट था जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये मैं पूरी तरीके से इसका जो FRP अनलॉक जो है मैंने कर लिया है और बहुत ही मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा करने के लिए। और आप दोस्तों सैमसंग का 7.0 जितना भी मोबाइल है उसका जो है FRP जो है खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए।